आरे तुले सदा भवानी दायनी और सन्मुख रहत गणेश, एक पांच देव रक्षा करें सुब्रह्मा विष्णु महेश। अब सुर बिन मिलैन सरस्वती, गुरु बिन मिलैन ज्ञान, और कंठ बैठ मातेश्वरी में धरु तुम्हारो ध्यान। अरे तो जूनागढ़ नरसी बसे और ये नित उठ हरि गुण गाए, हाजी संतन की सेवा करे सुसब धन दियो रे लुटाए। और सब धन दियो लुटाए भगत के पास बची ना पाई, और थी नरसी की सुता एक जो सरसागढ़ में भ्याई। भईता के घर में भ्याव सुता को, अब सुनो सजन चित लाई, और भात नौत वे की रामा बाई ने सलाम मिलाई। बंधुओं, नरसी भगत जूनागढ़ में रहते और उन्होंने सब धन परमार्थ में और संतों को सेवा में ही लगा दिया, उनके पास कुछ नहीं बचा। उनकी एक लड़की थी रामाबाई, जो सरसागढ़ में ब्याही थी रामा के घर, और एक लड़की की शादी की तैयारी हो रही थी। तो रामाबाई अपनी सास से कहती है, सुनो सासू जी मेरी, जो आज्ञा पाऊं तेरी तो मैं पीहर पूजाऊं और जूनागढ़ में जाय भात बाबुल के घरे नोत्याऊं। तो सासू से पीहर को भात नोतवे के लिए जाने की आज्ञा मांगती है, लेकिन रामाबाई के ससुराल वाले तो नरसी के पास कुछ धन नहीं था और वो भक्त बन गया था, भगवान के गुण गाता और सब धन लुटा दिया, इसलिए वो नफरत करते थे। तो देखिए सासू क्या कहती है रामाबाई से, हाँ तेरो बाबुल पैरा की भातैया बने आवे गो। अरे तेरे पिता ने तो बैराग ले लिया। हाँ तेरो बाबुल पैरा की भातैया बने आवे गो, अरे मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बंधुओं, रामाबाई की सासू मना करती है रामाबाई से, तू भात नोत पे जाएगी और वो बैरागी हमारे घर पे आएगा, भात में लेने देने को उसके पास कुछ है नहीं और हमारी हंसी और करवाएगा, इसलिए तू भात मौत पे मत जाए। क्या कहती है, हाँ ए, सुन करके इतनी बात सास ने बोली, पीहर जावे की बता जबा क्यों खोली, वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, अब गई बात बिगण सारी नरसी मेहता की। क्या कहती है रामाबाई से उसकी सास, उसके पास कुछ बचा नहीं और उसकी सब बात बिगड़ गई, तू पीहर जाकर क्या करेगी। वो का दे दो भात भतैया, अरे
झागर शंख बजैया, तू मत जावे रामा पाई, तू बड़े घरन में भाई। एक कागज कलम मंगाओ और पाती लिख दूत पठाओ। हमारा तो बहुत ऊंचा घर है और सुबेरागी के घर भातनोत पे जाकर के तुम क्या करोगी, इसलिए एक कागज में उसको पत्री लिखा करके और किसी दूत के द्वारा भेज दो और उसमें इस तरह का माल लिखो जिस पत्री को पढ़कर ने तो इतना माल उसके पास होगा और ने वो यहाँ आएगा, ने हमारी हंसी होगी। अब वापू लिख दो सारो हाल अनोखो, माल संग में लियो, नहीं तो नरसी सरसा गढ़ कूमत आयो। हाँ जी तो द्वार कलम कागज लिए सो पंडित लिए बुलाए। दो भाई द्वार की कलम कागज लिए इस भाई पंडित लिए बुलाए। और नरसी जी को भात की सोयब पत्री रहे लिखाए। तेरो बाबू तेरा की बात या मैंने आवे तो मारी बोरी तेरा बाजी दारे लावे तो। तेरो बाबू तेरा की बात या मैंने आवे तो मारी बोरी तेरा बाजी दारे लावे। देखिए बंधुओं, रामाबाई से भात नोतने के लिए मना कर देती है और पंडित जी को बुला करके और नरसी जी को किस तरह की पत्रिका लिखवाते हैं ताकि वो पत्रिका को पढ़ करके और सरसागढ़ में आवे ही नहीं। अब श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, अरे गिरजा के सुत लाडले सुसकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ को नाम, और नरसी प्याई को लिखी सुमनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो सु लिखी भाव की बात, और सरसागढ़ में साहसी तो तुम लेके आयो बात। और देखिए कितने कठिन माल लिखवा रहे कि ना तो इतना माल होगा नहीं आएगा। अरे सभापति सुमन लिखो कलायो सभापति सुमन रोड़ी, और सभापति सुमन हरदी लिख दो मेवा की बोरी। थान जरी का लिखो 500 साल दुसाला कापड़ा, साठ बेस सौ चूनर लिख दो 80 लेगा बाकड़ा। सुमरन के आभूषण करोड़ रुपया रोकड़ी, और कागज में तो भाटा लिख दो। हमसे भूल रही कछुबा की वाकू भी संग में ला जो, और इतनी सरदार है हो मैं तुम्हारे बारे मत जो रे तेरो पत्रिका में लिखवाते हैं कि सरसागढ़ शहर में और मनसा सेठ बहुत अच्छे ऊंचे घर का है। अरे ताके घर पे भ्यावर जो तू मत कर दी जो बदनामी। हाँ पांच पंच जूनागढ़ के ओ
बंद संग लाजो और संत महात्मा बाबा जी ने कुलार लेकर मत आजो। तू भी पहन तुलंगी धोती लाल पागड़ी बांधा जो और झाल संख जी मिठा तू मा तू भी लारे मत लाजो। इस तरह से पत्र का लिखवा रहे कि सरसागढ़ में जब भात लेकर के आए तो संत महात्माओं को साथ में मत लाना, पांच भाई कुटुंब के और गांव के पंचों के साथ ही आना, और पत्र का में जितना माल लिखा है उतना माल अगर तुम्हारे पास में नहीं होए तो सरसागढ़ के अंदर मत आना। अब हंस हंस कहते लिखाए भात की पाती रे रामा बाई की भबक रही है छाती, वो ठाटी घूमट कर भरे रग आंसू मेरे बाबुल की निंद्रा करे ससुर और जोड़ तो भैली। रमा बाई कहती अगर मेरे पिताजी के पास आज धन होता तो मेरे सास ससुर इस तरह की पत्र का नहीं लिखवाते। अब समय बिगड़ गई बाप की सो कौन बंधावे धीरे, हो समय बिगड़ गई बाप की सो भाई कौन बंधावे धीरे, और रामा बाई के नहीं से कोई जामिन जायो वीर तेरो बाबू तेरा की बात या बैठे आवे गो बारी कारी बेबाबा जी जाने जावे गो तेरो बाबू तेरा की बात या बैठे आवे गो बारी कारी बेबाबा जी जाने जावे। बंधु रामा भाई इस तरह से विचार करती है कि मेरे बाबुल के पास धन नहीं है, उसने लुटा दिया, इसलिए सभी ससुराल वाले और उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन अब बाबुल का पक्ष ले नहीं सकती वो, और इस तरह से पत्र का लिखा करके और उन्होंने जूनागढ़ को रामाबाई को तो आने नहीं दिया और पंडित जी के हाथों वो पाती भिजवा दी। पंडित जी पाती लेकर के और देखिए जूनागढ़ को आते हैं। अब भाई सरसागढ़ से दूत भात की पाती लायो और जूनागढ़ दरम्यान भगत नरसी घर आयो। पत्रिका को लेकर के दूत जूनागढ़ में आ जाता है, आकर के पूछ करके नरसी के घर पहुंचता है तो नरसी संतों के बीच में भगवान का गुणगान कर रहे थे। बोले करके करताल हरी गुण गा तो पायो और दे आदर सत्कार दूत इतकू बैठायो। दूत ने जाकर देखा कि ये नरसी है, ये तो महात्मा है, ये क्या देगा मुझे, यहाँ क्यों परेशान किया है मनसा सेठ ने। नरसी ने समाचार पूछे, भाई आप कौन है? दूत कहता है मैं सरसागढ़ से और तुम्हारी दोहती के शादी की पत्रिका लाया हूं। अब झट पत्री नहीं है कहा खोल कर बाची, अरे समदी ने निर्धन जान करिए मुझसे हासी, मैंने माया छोड़ी नाय लुटा दई सारी, बन करके बैठो नरसी भगत भिकारी, मेरी सुत लेंगे श्री कृष्ण द्वार का बारे, राधापति दीन दयाल नंद के प्यारे। नरसी भगत विचार करता है पत्रिका को पढ़ करके कि समदी ने इतना कठिन माल इसलिए मंगवाया है कि नहीं उसके पास है नहीं वो आएगा, मेरी मजाक की है, लेकिन जिनके ऊपर मैंने सब धन को लुटा दिया और मैं खुद जिनको अर्पण हो चुका हूँ वही बंसीवारे भगवान कृष्ण मेरा भात भरेंगे। बंधु और नरसी जी दूत के हाथ से पत्रिका को लेकर के और अंदर घर में जाते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी का सिंहासन बना था, उनके चरणों में जाकर पत्रिका को रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं महाराज सरसागढ़ से और भात की पत्रिका आई है, आप इस भात को भरना। अब लेकर पाती हाथ गयो नरसी भीतर घर में, हो भाई लेकर पाती हाथ गयो नरसी भीतर घर में, और शीश नाज कर जोर धरी पाती हरि चरणन में,
और भरजो भाट भगत को स्वामी ऐसे अर्जी कर आयो। सरसागढ़ के पांडे से बाहर आके न्यो बतड़ायो और ठहरो जी महाराज जरा भोजन करके घर पूजाओ। नरसी बाहर तू आयो मन में भारो घबरायो और काई पिता तू पांडे तू घर में टका न पायो। खैसे साग तोड़ के लाऊं और तातो पानी करूं रैंद पांडे तू हाल जिमाऊं। पत्र का कुछ सिंहासन पे धर के बाहर आता है और सरसागर के दूत से नरसी कहते हैं महाराज आप थोड़ी देर रुको और भोजन करके जाना। विचार करता है कि घर में पैसा नहीं है पांडे को दक्षिणा में क्या दूंगा, फिर के ठीक है भोजन तो बनाना चाहिए। नरसी ऐसा विचार करके कहीं साग तोड़ने के लिए और जाता है। इधर बंधुओं नरसी साग तोड़ने जाता है और भगवान के सिंहासन में पत्रिका रखी थी भगवान कि भक्त के पास कुछ नहीं है तो देखिए भगवान श्री कृष्ण उसके मुनीम का भेष बना करके लाते हैं। नरसी जब तक साग तोड़ के वापस नहीं आया तब तक भगवान कृष्ण उसको भोजन करा के और दक्षिणा में एक मोहर दे जाते हैं और वो पूछते हैं पांडे की आप कौन है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं नरसी जी का गुमास्ता हूँ मुनीम हूँ। अब तातो पानी करू रांद पांडे तू हाल जिमाऊं, तो नरसी साग तोड़ वे धायो अरे ले भोजन को थाल मुरारी नरसी के घर आयो। वाकी भरी माल से थाड़ी खटरस व्यंजन धरे अगाड़ी पांडे हेला देर बुलायो रुच रुच के भोजन करवायो। नरसी साग तोड़ के लायो अरे वासे पहले कृष्ण पिता में एक मोहर ते आयो। राख्यो अपने जन को मान हुए मनमोहन अंतर ध्यान तोड़ो साथ धरो झोड़ी में और नरसी जी को पांडे आतो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्र मत भाजो और जैसो मारो रूखो सूखो भोजन करके जाजो। बंधु नरसी साग तोड़ करके लाए जब तक पांडे जी नरसी जी के घर से पौड़ी में जाते हुए मिले। नरसी जी कहते हैं महाराज थोड़ी देर रुको भोजन तैयार करता हूं, तो पांडे जी क्या कहते हैं अरे पांडे नरसी सुबत आयो और आयो एक मुनि में तुम्हारो भोजन मोल करायो। भारी कर वो खातिरदारी मेरी ममता भर की सारी अब तो बात बची नहीं बाकी और राम राम कर गयो मोज पकड़ा गयो मोहर विदा की। नरसी करे विचार कुटम के ना आए भैया हो भाई नरसी करे विचार कुटम के ना आए भैया और आयो अपनो भगत चैन बंसी को बज भैया सरसागर को जाता है और नरसी विचार करता है कि कुटुंब के भाइयों से मशवरा करता हूं भात में चलने के लिए। और इधर भाई बंधुओं को यह मालूम हो गया कि नरसी जी के घर भात की पत्रिका आई है, रामाबाई तो भात नोत में आई नहीं, तो देखिए कुटुंब भी किस तरह से नरसी जी की निद्रा कर रहे हैं। ऐसे कर रहे बेटा अब दूत गयो सरसागर को और हाल सुनो जूनागढ़ के भाई बंद भगत के सारे निद्रा कर रहे जट जट के। सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी आकी अंटी में माला झालर संख ची मिठा धरी गिरस्ती घंटी में। सरसागढ़ से रामाबाई भात नोत वे नहीं आई और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथन भिजवाई। अरे कोई कोई सेठ इश्या बोले या बदनामी करवावे गो जैसो या में कर्म करो या वैसो ही फल पावे गो। या बाबा जी सुखूब बनी सब आपस में बतड़ावे बड़ बात हम उकाई पड़ी हम लारे भी नहीं जावे।
कोई कोई कहता है ये हमारी सरसागढ़ में जाकर हमारे कुल की बात को मिटेगा, और कोई कोई कहते हैं भाई जब हमें इसके साथ जाना ही नहीं है तो हमको इन बातों से क्या करना, जैसा उसने कर्म किया है वैसा भोगेगा। जब तक नरसी भगत भाई बंधुओं के पास आता है, नरसी भगत घूम तो आयो आकर भाई से बतड़ायो, अरे तड़के भात भरेगा भाई तुम हो जा जो तैयार, बाट देखेगी राम बाई। तो सुन नरसी की बात को नट गए भाई बंद। ओ भाई सुन नरसी की बात को, भाई नट गए भाई ओ बंद। और बिगड़ी को कोई नहीं सो मेरी सुतली जो गोविंद। चलना है तो सभी भाई बंद मना कर देते हैं। देखिए क्या विचार करते हैं नरसी जी, क्या कर रहे भैया? अब ये नाच संग में भाई बंद नहीं आए, तब संत महात्मा जूनागढ़ के सब नरसी ने बुलवाए। अरे पड़ोसी के घर जाके एक मैंग लई टूटी गाड़ी, और बूटी बदिया बंदी खिरक में पकड़ पहुंच कीनी ठाड़ी। जब भाई बंधुओं ने मना कर दिया तो सरसागढ़ के सब संत महात्मा नरसी जी ने बुलवाए और अपने पड़ोस से एक टूटी सी गाड़ी मांग करके और बूढ़े बैल मांग करके, और देखिए भात भरने के लिए संतों को साथ में लेकर भक्त तैयार हो जाता है। अब हो गए तैयार जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी दाढ़ी, कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई सुलभ शर्ट लोड़ी सो, कोई संत चीमठा वाड़ो, कोई कोई तन से कतई उघाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर नशा में चाहे आग लगे बस्ती में, घोटे भांग पिए सुलपट्टा, कोई कोई बीस बरस को पट्ठा, खा खा चून पड़े वे संडा, जाने गोबर धन के पंडा, जय जयकारे उड़ते जावे, और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मरण चूचावे, खई खई गैल अनोखी आवे, बूढ़ी बतिया जोर लगावे, कोई साधु की गिर जाए तूमी, जब गाड़ी तू कर दे ऊमी, फिर बरबर में तू मा गुड़ के, और बतिया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुड़के। आगे पड़ गई रेत रही दोनों बतिया ठाड़ी, और नीचे गिर गए संत, टूट गई नरसी की गाड़ी। रे तेरो बाबुल तेरा जीवा तैया मेरे आवे गो, सारी पौड़ी से बाबा जी जारे लावे गो, तेरो बाबुल तेरा जीवा तैया मेरे आवे गो, सारी पौड़ी से बाबा जी जारे लावे। बंधुओं सरसागर से आके जाकर के और रास्ते में भूडा पड़ गई तो नरसी जी की गाड़ी भूडा में संतों के बोझ से नहीं चल पाई, बदिया भी बैठ गई और गाड़ी भी टूट जाती है। हाँ रे नरसी की गाड़ी भूडा में, अरे नरसी की गाड़ी भूडा में अटक गई, आरो फस गोरे, अरे आरो फस गोरे, वो साधु संतन कुसर सागर भारो पड़ गोरे, नरसी की गाड़ी भूडा में पकड़ गई, आरो फस गोरे, साधु संतन कुसर सागर भारो पड़ गोरे, नरसी की गाड़ी भूडा में पकड़ गई, आरो फस गोरे, साधु संतन कुसर सागर भारो। अब भाई बीच काल में नरसी जी की गाड़ी को आरोह
धनी में धुर जाय टिकी, अरे बूढ़ा में पैया फंस गो साधु ऐसे बतड़ावे खांसू कारीगर लावे। और नरसी बोलो या पिंगड़ी में मोहन आडो आवे। बंधुओं, जब नरसी जी की गाड़ी टूट जाती है, सब संत महात्मा नीचे खड़े हो जाते हैं, विचार करते हैं कि अभी सर सागर दूर है और गाड़ी टूट गई, अब इसको कारीगर कहां से लाए और ये किस तरह से बनेगी, किस तरह से हम सर सागर में पहुंचेंगे। प्रिय सज्जनों, नरसी का भगवान पे विशेष विश्वास था। नरसी कहता है भाई सब संत मिलकर भगवान के गुण गाओ और कोई चारा नहीं है। तो देखिए सब संत इकट्ठे होकर के और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। अब साधु ऐसे बतलावे, अब खांसू कारीगर लावे, और नरसी बोलो या बिंगड़ी में मोहन आडो आवे। भाया झालर शंख बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ, सब साधु कर ताल बजावे, और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के तेरे मुरारी आयो, और कंधा धरी करो हाथ में स्यार बसूला लायो, आरो ठोक लगाई पाती, अरे अपने जन के काज पने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सामे तेरे जाने, नई चढ़ाई जोड़ी बादी, भी सरपट्टा मारे जाने है ना गोरी घोड़ी। पहुंचे सर सागर में जाई, और देख हाल नरसी को न्यो बतड़ा में लोग लुगाई। रामा को भातैया आयो, लारे संत महात्मा लायो, इनके लटके लंबी डाढ़ी, बूढ़े बैल पुरानी गाड़ी, नीचे उतर चौक में उमा, और एक हाथ में शंख चिमटा, एक हाथ में तूमा। दुनिया हंस रही दे दे ताड़ी, और आयो एक खवास बता को नरसी को खिरकाड़ी। बंधुओं, नरसी भक्त को रुकने के लिए जामन सा सेठ की गाय बनती थी, उस खिरक की तरफ इशारा कर गया कि आप यहाँ रुको। देखिए बिना जर के मनुष्य की, बिना धन के आज युग में मनुष्य की कीमत नहीं है और न पहले थी, इसलिए नरसी जी की कोई आवभगत नहीं हुई। और एक खवास ने आकर के कह दिया कि इस जगह पे तुम्हारा सेठ जी ने विश्राम करने को कहा है, तुम यहाँ रुक जाओ, जहाँ पशु बांधे जाते थे। अब सर सागर के बीच भगत की निंद्रा हो रही है, हो भाई सर सागर के बीच भगत की निंद्रा हो रही है, और देख पाप को हाल सुता नरसी की